क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आयन चैनल, मतलब कि आयन चैनल क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम आयन चैनल की बात करें तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी इस तरह की फ्लूडिक मेम्ब्रेन होती है, उस फ्लूडिक मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो इस तरह से एक्सपांड होती है, ठीक है ना, इस तरह से एक्सपांड होती है, इसको ही हम बोलते हैं आयन चैनल। यह जो है ये आयन्स को जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ऐसे चैनल को हम आयन चैनल कहते हैं। तो ये प्रोटीन होती है यहाँ पर, और ये जो प्रोटीन होती है ये मेम्ब्रेन के आर पार होती है, ठीक है। कभी कभार हम स्ट्रक्चर्स में इन प्रोटीन को इस तरह से भी जो है दर्शा सकते हैं। तो ये प्रोटीन इस तरह से भी होती है जो आयन्स को जो है वो पुल करती है एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि या तो ये इधर की तरफ में लेके जाएंगे या फिर ये इधर की तरफ में लेके जाएंगे। तो ऐसे चैनल्स को हम आयन चैनल कहते हैं, जो आयन्स को जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आयन चैनल आर प्रोटीन मोलिक्यूल, आयन चैनल्स आर प्रोटीन मोलिक्यूल, ठीक है। क्या होते हैं ये, प्रोटीन मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन से ऐसे बाहर निकले होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को स्पान करके निकले होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल दैट स्पान अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गई परिभाषा किसकी, सेल आपके आयन चैनल, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन इस तरह स्पान होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयनों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयनों को इधर साइड से इस साइड में या इस साइड से बाहर की साइड में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ यही बात इस तरह से लिख सकते हैं, अलो द पासेज ऑफ आयन from one side of membrane to the other side, दूसरी साइड में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो आयन चैनल होते हैं ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वाटर भी भरा होता है, क्योंकि जब आयन इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं तो ये थोड़े से गैप्स होते हैं एक तरीके, ठीक है। तो ये इनकी जो साइज होती है वो भी एकदम फिक्स होती है, और इनका जो चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है। तो यहाँ पर चार्ज के अकॉर्डिंग ही जो है आयन वो ट्रांसफर होते हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप लिख सकते हो, हालांकि इसमें काम चल जाएगा क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, these are narrow water filled tunnels, ठीक है ना। ये बहुत ही पतले पतले वाटर जिनमें भरा होता है ऐसे चैनल्स या टनल्स होते हैं, that allow only ions को ही allow करते हैं, of certain size, एक निश्चित साइज के जो आयन्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, और चार्ज उन आयन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, टू पास थ्रू, ठीक है, थ्रू मतलब इसे पास होने के लिए ये जो चैनल्स या टनल्स जो होते हैं, एक तो वाटर फिल्ड होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, और निश्चित साइज के जो आयन्स होते हैं ये जो चार्ज होता है उसी को ही पास होने देते हैं, दूसरे को पास होने नहीं देते। कहने का मतलब है कि इधर से पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर एंट्री करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन अगर एंट्री करेंगे तो केवल पॉजिटिव वाले ही एंट्री करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स होते हैं, ओके।